बुंदेलखंड तप तपस्या और तेज की पावन भूमि है। बुंदेलखंड की धरती, यहाँ का कण कण कर रहा है विकास का अभिनंदन। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए पूरे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज गति से निर्माण पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश इस विकास यात्रा का अहम भागीदार है। वर्ष 2017 के बाद यूपी में डबल इंजन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सड़क, रेल, मेट्रो, एयर सहित सभी क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में बनी नई पहचान। पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, और अब विकास की डबल रफ्तार की इसी कड़ी में जुड़ रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड 28 महीनों में बनकर तैयार है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा ही किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का राष्ट्र को समर्पण इस पावन धरती के वीर वीरांगनाओं की पीढ़ियों का सम्मान है, जिनकी शौर्य गाथाएं आज भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। 2014 से पहले बुंदेलखंड में पानी की कमी के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित था, पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना और जल जीवन मिशन के तहत यहां सिंचाई और पीने के पानी की सहज उपलब्धता हो रही है। खेती से जुड़ी संभावनाएं बढ़ी हैं, लोगों का जीवन आसान हुआ है। एक्सप्रेसवे से किसान अब अपने उपज और दुग्ध उत्पादों को बड़े बाजारों तक सरलता से पहुंचा पाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन में बदलाव लाएगा और यहां के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों जैसी सुविधाओं से जोड़ेगा। अब चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया के लोग भी आधुनिक एक्सप्रेसवे पर चलेंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नए उद्योगों, नए उद्यमों को विकसित करेगा, जिससे रोजगार के हजारों अवसर तैयार होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को भी गति मिलने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लिंक होने से स्थानीय एमएसएमई सेक्टर के लिए नए मौके बनेंगे और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर राइट ऑफ वे बनाया गया है, जहां सोलर एनर्जी से ऊर्जा मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकासी के लिए इंटरचेंज तथा जरूरी जगहों पर आरओबी, पुल और अंडरपास बनाए गए हैं। साथ ही जन सुविधा केंद्र और स्थानीय लोगों के लिए सर्विस रोड भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास सघन वृक्षारोपण होगा, इन्वेस्टमेंट पार्क और कारखाने बनेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पूरे यूपी और पूरे देश की आकांक्षाओं को एक्सप्रेस रफ्तार मिलेगी और ये पावन भूमि नए भारत के सपनों का एक अहम केंद्र बनकर उभरेगी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।